तो क्या बात करेंगे हम लोग? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो बात है लगभग कब की है, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की है, ठीक है, जब जॉन डाल्टन आए थे। डाल्टन ने एक बहुत बड़ी चीज बताई उस जमाने में, ये बहुत बड़ी चीज थी, क्या कि किसी भी चीज का छोटा पार्ट क्या होता है, एटम। एटम इंडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, और इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसको बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट, कोई भी मैटर है, आप मैटर या मैं मैटर या बॉटल मैटर या मार्कर मैटर, हर वो चीज इसमें वजन और जगह छके मैटर, तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम। ये बात जॉन डाल्टन ने 1808 में बताई। एक्चुअली 1803 टू 1808 के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ पोस्टुलेट दे दिए, कुछ थ्योरी दे दी। याद रखना, जहां पे लोग एटम को भूल चुके थे, वहां पे जॉन डाल्टन ने एटम की नींव रखी, समझो। मतलब एटॉमिक थ्योरी की नींव अगर किसी ने रखी तो जॉन डाल्टन ने। उससे पहले काफी लंबे टाइम तक लोग एटम के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ, बहुत पहले जो हमारे जो ग्रीक इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कनक, उन्होंने बोला था। फिर ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस एंड लिसिपस, उन्होंने बोला था। उसके बाद ये सब एकदम रुक गया था, सब रुक गया था, कुछ नहीं चल रहा था। और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन बाद में कई सालों तक ये बात किसी ने नहीं बोली, लेकिन जॉन डाल्टन ने उसकी नींव रखी, समझो। लेकिन इसके बाद और भी साइंटिस्ट, माइकल फैराडे, डेवी, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, और इन्होंने ये बताया कि मैटर का इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन है। मतलब कोई भी चीज जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन है, समझ आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसका और मैटर से कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। अब ये बात चलने लग गई तो लोग एक एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उस टाइम का फेमस एक्सपेरिमेंट। मतलब हर कोई आ रहा था और ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा था, है ना। जो चीज फेमस होती है आदमी उसको करते हैं। मान लो आने वाले वक्त में अपना अगर फेमस हो गया तो सब अपना कॉपी करेंगे ना, तो यही होता है, मतलब रूल है नेचर का। तो उस टाइम में क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, तो हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, ग्लास का एक ट्यूब होता है, 50 सेंटीमीटर लंबा एक ग्लास का एक ट्यूब है, जिसके अंदर एयर बिल्कुल कम रह जाएगा, लगभग लगभग वैक्यूम के बराबर। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किसमें होता है, इसके अंदर के एयर को सक कर लेगा, एयर खींच लेगा। तो यहाँ पे एयर जो है ना बहुत कम रखा गया, यानी कि लो प्रेशर रखा गया एयर का, एकदम कम प्रेशर, कितना, लगभग 10^-4 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इतना कम रखा गया, यानी कि 0.00018 एटीएम या एमएम ऑफ एचजी बोल लो, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है। मतलब बहुत कम प्रेशर रखा, एकदम जीरो रहेगा, मतलब वैक्यूम, जहां पे कुछ भी प्रेशर नहीं है वो क्या होगा, वैक्यूम, लेकिन जहां पे प्रेशर है वो वैक्यूम है क्या, तो एकदम लो प्रेशर पे। और वोल्टेज क्या रखा, बहुत हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, याद रखना, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज रखा। ये देखिए एक अपरेटस है जो ग्लास का बना हुआ है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, और ये दो क्या है, प्लेट्स है, मेटल के प्लेट्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। तो किसी भी मेटल कर सकते हो आप, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया और उसका कनेक्शन 10,000 वोल्ट से किया, हाई वोल्टेज क्यों दिया, क्योंकि साइंटिस्ट ये जानना चाह रहे थे कि क्या गैस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, गैस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, यहां पे एक वायर है, बराबर, जो मैंने पहले ही बताया, और मान लो ये स्केल, ये एक वायर है, ठीक है, और यहां पे पूरा एयर है ना, तो करंट यहां से दूंगा तो यहां पहुंच जाएगा, कभी नहीं। अरे यहां से करंट दूंगा तो इसके पास पहुंचेगा क्या, कभी नहीं पहुंचेगा। मतलब एयर जो है वो गुड कंडक्टर है क्या, नहीं, बैड कंडक्टर है। अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो सब लोग डांस करते रहते हो, है कि? मतलब मान लो यहाँ पे करंट है और यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे एयर है तो करंट यहाँ से पास होकर मेरे पास है, तो मूवी में नहीं दूसरे को पकड़ के डांस करने पूरी कहानी वही हो जाती है, सिंपल सी बात है ना। तो एयर में नहीं हो सकता बिल्कुल भी, एयर में करंट फ्लो नहीं होता है, लिक्विड में होता है। अगर मान लो यहाँ पे वायर है, यहाँ पे वायर है, बीच में पानी है, तब होगा, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर है। और मेटल्स जो है, कि कोई भी वायर ले लो, लोहे का वायर, तांबे का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, वो भी गुड कंडक्टर है, वहां से फ्लो होगा। तो साइंटिस्ट ये जाना, साइंटिस्ट तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे कि एटम से भी छोटी कोई चीज है, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा था। एक्सपेरिमेंट इस पे हो रहा था कि क्या गैस से करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसने बिजली को देखा ऊपर, थंडर को,
जब बिल्ली चमक रही थी, तो वहां से उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या वही चीज मैं इस लैब में कर सकता हूँ, क्या वहां से जो करंट निकल रहा है वो करंट क्या गैस से आग पर जा सकता है। उन्होंने बोला कहीं हाई वोल्टेज हम ले और गैस से गैस में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, वो ये देखना चाह रहे थे। लेकिन याद रखना, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर आप लोगे 180 ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, धीरे 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 प्रेशर कम किया। ये नहीं एग्जैक्टली उन्होंने प्रेशर कम रखा, उन्होंने क्या किया, प्रेशर पहले इसमें ज्यादा था, यानी कि इसमें एयर था, तो एयर था तो देखा करंट यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो हो रहा है। देखो ना, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। अगर यहाँ पे तुम वायर लगा दो तो करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो प्लस से माइनस की तरफ नहीं आ रहा था। मान यहाँ पे मैं बल्ब लगा दे रहा हूँ, एक बल्ब मैंने लगा दिया था, ठीक है। अगर ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ से जाके यहाँ पे आ रहा है और फिर जल रहा है, वरना नहीं चलेगा पक्का। तो एयर पहले रखा तो करंट नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सोचा, ऐसे दिमाग लगाया कि चलो भाई क्यों ना इसके प्रेशर को कम किया जाए, यानी कि एयर को निकाल दिया जाए। एयर जब निकालते जाओगे तो वैक्यूम बनता जाएगा, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, खाली जगह, एयर रहेगा ही नहीं, तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तो इतने प्रेशर पे उन्होंने एयर रखा, एयर थे बहुत कम, वैक्यूम के बराबर, लगभग ना के बराबर मान लो, और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई दिया कि कहीं हाई वोल्टेज की वजह से, क्योंकि जो ठंडक होता है बिजली चमकती है वैसे वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं हाई वोल्टेज की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने जब हाई वोल्टेज किया तो सच में करंट फ्लो हो रहा था, मान लो ये कि बल्ब जल जा रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहां से जो चीज फ्लो हो रही थी वो दिख नहीं रही थी, इनविजिबल रही थी। लेकिन कैसे पता चला, अब उन्होंने यहाँ पे स्क्रीन लगाया, हर जगह स्क्रीन लगाया, यहाँ पे मान लो स्क्रीन लगाया, उस स्क्रीन का नाम है क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वेरी गुड, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या होता है भाई, क्या होता है, ऐसा स्क्रीन जिसपे कोई रे हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो अगर उस पर जाएगी, उस पर टकराएगी तो चमक पैदा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए है अभी यहाँ से क्या हो रही है, रे जा रही है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे चमक पैदा होगा, ऐसा ग्लो होगा। तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा अच्छा ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो वैसे ही इनविजिबल रे यहाँ से किधर जा रही थी भाई, इस साइड चमक पैदा हुई, कहाँ चमक पैदा हुई, इस साइड, इस स्क्रीन पे, है ना। ये नहीं कि उन्होंने इसी साइड लगाया था, दोनों साइड हर जगह लगाया था, लेकिन यहाँ पे चमक पैदा हुई, ऐसा ग्लो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पैदा हुआ। और एक बात और जान लीजिए, क्या कि इस एनोड के आर पर जाएगा या नहीं जाएगा, वो बात की बात है। यहाँ पे बीच में एनोड आ रहा था, एनोड मतलब क्या, जिसका कनेक्शन पॉजिटिव से करते हैं उसको बोलते हम लोग एनोड, और जिसका कनेक्शन नेगेटिव से करते हैं उसको बोलते हम लोग एनोड, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब तो यहाँ पे क्या कर दिया था, इस प्लेट को भी समझो कट कर दिया था, जिसको आप बोल सकते हो परफोरेटेड, या यहाँ पे कुछ कट थे, ठीक है, एनोड को समझो कि कुछ कट था। तो यहाँ से क्या इनविजिबल रे आ रही है, दिख नहीं रहा ना अपने को, क्योंकि यहाँ पे चमक पैदा हुआ, तो समझ में आया कि अच्छा 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 यहाँ, तो इस होल होता हुआ ये जा रहा था और चमक पैदा कर रहा था, चमक पैदा कर रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी और कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो क्या नाम रखा गया इसका, कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ, तो कैथोड रे, इसलिए इसका नाम पड़ा कैथोड रे, मतलब कोई ऐसी इनविजिबल रे है जिसका नाम क्या है, कैथोड रे, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रही थी, तो उनको लगा कि हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज हो, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए यहां पे उन्होंने प्लेट लगाया, ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मान लो प्लेट लगाया, पॉजिटिव प्लेट भी लगाया और नेगेटिव प्लेट भी लगाया, दोनों लगाया, कि अगर ये नेगेटिव अगर चार्ज होगा और पॉजिटिव के पास आ रहा है, तो जरूर अगर यहां पे पॉजिटिव प्लेट होगा तो उधर भागेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रही थी ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, एनोड पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, तो उनको क्या लगा कि हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो। अभी तक ये नहीं मालूम था, चार्ज के बारे में मालूम हो चुका था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एटम से भी छोटी चीज होती है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, ये नहीं मालूम था। तो पता चला कैथोड रे, कैथोड रे क्या है, फिर पता चला कि ये तो भाई डिफ्लेक्ट हो जा रही है, इधर मुड़ जा रही है, इधर इससे भाग रही है, यहां से और भाग रही है और उसके पास जा रही है, मतलब ये कंफर्म हो चुका कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब कैथोड रे वो किससे बना है, छोटा पार्टिकल है जो कैसा है,
ये कंफर्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने मैग्नेट भी रखा, और हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को साथ रख दिया जाए तो देखो आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा सबने, करंट है जहां मैग्नेट है वहां, या मैग्नेट है जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां करंट है वहां, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट में रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां से जा रही है, यहां पे मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट मूव करने लगेगा, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगा। मान लो आप कंपास ले रहे हो, कंपास में क्या होता है, निडल होता है जो डायरेक्शन बताता है साउथ नॉर्थ का, वो मैग्नेट का बना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे ला के रखो तुम कंपास को, तो मूव करेगा, टेंथ में पढ़े हो आप लोग, मूव करेगा, ठीक है। और यही इसी का तो सवाल करके मोटर जनरेटर बना है। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट कैसे करंट पैदा होता है, और मोटर में क्या होता है, मोटर में भी मैग्नेट होता है और मैग्नेट और करंट भी क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें दिख रही है वहां पे क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट भी रखा तो वो डिफ्लेक्शन पैदा हुआ, फिर से वो रे इधर उधर भागने लग गया, मतलब ये पक्का हो गया कि वो नेगेटिवली चार्ज। अभी चूंकि आप जानते हैं 10th लेवल पे 9th लेवल पे आपने पढ़ा है कि एटम जो है वो सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अलावा और भी है पॉजिट्रॉन मीजॉन न्यूट्रिनो और भी बहुत सारे 24 है इस तरह। एक्चुअली सही मायने में 200 है, टोटल 200 फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन अपने को सिर्फ 3 ही जानना है, ठीक है। और थोड़ी बात 5-6 बात और थोड़ी से कर लेंगे हम कभी तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये तो अपने को मालूम है कि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो दिमाग अपने की चलता है कि सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, प्रोटॉन ही निकल रहा था क्या, न्यूट्रॉन ही निकल रहा था क्या, क्या हो रहा था एग्जैक्टली। तो देखो बच्चा, सबसे पहले समझो कि कैथोड रे का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब कैथोड रे आ कहां से रहा है। सबसे पहला कैथोड रे जो है वो आ कहां से रहा है, तो कैथोड रे कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इसमें एयर है ना के बराबर, एयर है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम बहुत कम बहुत कम है, कुछ कुछ पार्टिकल्स है एयर के, एयर की मतलब हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस है कम। तो यहां से कैथोड से क्या हो रहा था, कैथोड ये जो इलेक्ट्रोड, इसी इलेक्ट्रोड से माइनस नेगेटिव चार्ज निकल रहा था, यानी कि इतना ज्यादा वोल्टेज दिया था हमने कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है, ठीक है, जिसको हमने कैथोड रे बोला, वो इस कैथोड से निकल रहा था, इस मेटल प्लेट से निकल रहा था, इस इलेक्ट्रोड से निकल रहा था, और रास्ते में कुछ गैस में आ रहे थे कुछ जो नाके बराबर है लेकिन है, तो उन गैस से टकराने के बाद क्या कर रहा था, अब गैस होंगे फिर इसी बात का गैस है, मतलब मान लो हाइड्रोजन गैस है तो बेटा इसका एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जानते हैं ये एटम है, और अभी तक हम जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो अब इससे बात है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में इसको भी लेके जाएगा, तो इसके गैस के एटम से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहा था, गैस के एटम से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल, लेकिन गैस बहुत कम थे। ओरिजिन अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि कैथोड रे का ओरिजिन जो है वो कैथोड से है, कैथोड से निकल रहा है, बाकी कुछ थोड़े बहुत कहां से निकल जा रहे थे, गैस से, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना आयनाइजेशन, याद रहेगा आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इलेक्ट्रॉन निकलना था आयनाइजेशन। तो ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी भी है, देखो कैथोड रे की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी देखा भी है, क्या कैथोड की प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चला, तो यहाँ पे एक हमने ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है, और इसका शैडो यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा था, शैडो बन रहा था इसका, परछाई है ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ मेरी परछाई जस्ट पीछे बन रही है, मतलब सामने से क्या आ रहा है, लाइट आ रही है ना, तो वहां सामने से कोई रे आ रही है, तो यहाँ पे एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा, ओपैक मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो शैडो से पता चला कि कैथोड रे क्या करती है, बताओ स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सिंस इट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड देयर इज वन नेम्ड एज
कैथोड रे, उनका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने क्या किया, निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट लगाया तो वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इट मीन्स दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और मैग्नेट से भी वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये सब क्या इसकी प्रॉपर्टी है। और ये एनोड के पीछे जो स्क्रीन था उस पर ग्लो कर रहा था, दे प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंट, है ना, क्या चमक पैदा कर रहा था वो, जिससे पता चला कि हमको कुछ तो है, लेकिन दिखाई नहीं रहती, इनविजिबल रहती, यहाँ पे दिख रहा था। ये चीज क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी कैथोड रे कहाँ से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यही पे साइंटिस्ट ने बोला, जे जे थॉमसन ने, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जूलियस प्लकर ने, जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट 1859 में। उसके बाद जे परनीन, डब्ल्यू क्रूप, जे जे थॉमसन, ये सब साइंटिस्ट सब मिलके फिर आगे के एक्सपेरिमेंट को किए, जहां पे जे जे थॉमसन ने ई बाई एम रेशियो बताया, चार्ज बाई मास रेशियो। एक डायग्राम आपको दिखेगा टेक्स्ट बुक में आपके, जहां पे नीचे मैग्नेट लगा होगा और दोनों तरफ प्लेट लगा होगा, तो वहां पे ये दोनों चीज रख के उन्होंने एक रिलेशन निकाला, और रिलेशन कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक रिलेशन निकाला और रिलेशन से बताया चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि उसका वजन कितना है। तो ये काम किसने किया, जे जे थॉमसन, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.7588×10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है, वैल्यू किस पे थी, माइनस में, तो ये वैल्यू आई थी, चार्ज की यूनिट थी कूलम, मास की यूनिट थी ग्राम, इसीलिए हमने लिखा कूलम पर ग्राम, चार्ज बाय मास रेशियो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और अच्छे से इलैबोरेशन होगा जब आगे हम देखेंगे, तो फिलहाल यहां तक क्लियर है अभी। तो इन्होंने एक और चीज जे जे थॉमसन ने बहुत बड़ी बात बताई, क्या बताई जे जे थॉमसन ने, एक बात कि भैया आप ये जो कैथोड है या एनोड को कितना भी चेंज कर दो, किसी भी मटेरियल का ले लो, आयरन का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, कॉपर ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, एग्जाम्पल बता रहा, कोई भी मेटल आप ले लो, रिजल्ट यही आ रहा था कि यहाँ पे चमक पैदा हो रही थी, यानी कि कैथोड रे बन रहे थे। यहाँ पे गैस कोई भी ले लिया जा रहा था, हाइड्रोजन गैस, क्लियर गैस, लिथियम गैस, बेरिलियम गैस, तो क्या हो रहा था, रिजल्ट सेम आ रहा था, गैस चेंज करने में भी रिजल्ट सेम, और इलेक्ट्रॉन चेंज करने में भी रिजल्ट सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि कुछ भी चेंज कर लो, ई बाई एम रेशियो सेम आ रहा था। अब ध्यान देना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और एक चीज, इसमें पिनव्हील रखा गया था, यहाँ पे छोटा सा व्हील है ना, उससे क्या हुआ था, जब कैथोड आ रही थी तो ये घूम जा रहा था, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो, और कुछ ना कुछ मास है, वजन है, और काइनेटिक एनर्जी वो पैदा करता है ना, काइनेटिक एनर्जी होगा तभी तो कोई चीज मूव कर पाएगी, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आ रही है और आपको घुमा दे, मतलब उसमें वजन है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन की डिस्कवरी को, ध्यान से सुनना, सेम एपरेटस सेम चीज किया गया, बस इस चीज को 1866 में गोल्ड स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया, गोल्ड स्टीन 1866, याद रखिएगा, क्रेडिट जो है इसका अदर फोर्ट को जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गोल्ड स्टीन, जहां भी प्रोटॉन की बात आती है तो गोल्ड स्टीन का नाम होता है, इसलिए मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है वहां पे भी मैंने गोल्ड स्टीन लिखा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एग्जाम में जब आई हिट के एग्जाम में तो एग्जैक्टली करना क्या, मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं रखू की गोल्ड स्टीन ने 1866 में सबसे पहले प्रोटॉन के ऊपर डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैथोड में क्या कर लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, क्या परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, यस यस, छेदा छेदा है कि, हमें ये लो छेदा छेदा है कि, बिल्कुल हमारे वॉश मशीन के जैसा, वॉश मशीन में जहां पे पानी जाता है घूम के पानी जहां से अंदर चला जाता है, बिल्कुल वैसे, मतलब लोग बोलते हैं क्या पता सच है कि नहीं है, सुनने में आता है कि वो साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे कुछ तो छेदा वाला प्लेट, उनको कुछ मिला नहीं, तो फाइनली स्टोर रूम में जब मिला ना तो वॉश मशीन में जाए तो वॉश मशीन में नजर पड़ी तो वही निकाल लिया उन्होंने और फिर डाल दिया। अब क्या पता क्या है कि, क्योंकि देखो इसको जब यहाँ पे हमने क्या किया, होल किया तो इसके आर पार गया, तो सोचा उन्होंने कहीं उसमें होल करो तो यहाँ से भी तो कुछ ना निकले, ऐसा वो जानना चाह रहे थे। तो अगर मान लो ये बात थी तो एक सवाल उठ रहा था कि भाई अगर मान लीजिए हम यहाँ पे होल कर रहे हैं, यहाँ पे होल कर रहे हैं और इस प्लेट से भी कोई पार्टिकल जा रही है, जो क्योंकि यहाँ पे पहले होल नहीं था इसीलिए इधर नहीं जा रही थी और इसीलिए इधर चमक पैदा नहीं हो रहा था, बात को एकदम ध्यान से सुनिए। पहले वाले केस में यहाँ पे होल्स नहीं थे, होल्स यहाँ पे थे,
तो इसी में इसके आर पर चल जाती थी, चमक जहां पैदा हो रही थी। हो सकता हो जिस तरह इस प्लेट से ओ रे निकली थी कैथोड रे, हो सकता है इस प्लेट से भी कोई रे निकले एनोड रे। इस एक्सपेरिमेंट को एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि एनोड रे, तो हो सकता है एनोड रे निकली हो लेकिन यहाँ पे छेद नहीं था इसलिए आर पर ना गई हो। तो एक सवाल यहाँ पैदा होता है जो बच्चे ने सवाल किया है, साइमा ने क्या सवाल किया भाई कि सर यहाँ पे अगर हमने ये प्लेट डाला है निगेटिव प्लेट, तो निगेटिव प्लेट डाला है मान लीजिए यहाँ पे होल्स नहीं था तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो यहाँ पे होल्स नहीं है उसका आयर पर नहीं जा रहा है ग्लो नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड। और मैं बताऊं आपको कि एनोड रे जो है ना वो कलर्ड रे, मतलब एनोड रे का कलर दिखाई दे रहा था, कैथोड रे दिखाई नहीं दे रहा था, बट एनोड रे का पिंक किस कलर दिखाई दे रहा था, मतलब यहां पहुंचने पहुंचने तक यहां से दिखना चालू हो गया था। सॉरी यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, थोड़ा इसको और यहां पे बना लो, थोड़ा और नजदीक बना लो ताकि स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो कैथोड्स ये कौन क्या है भाई हमारा कैथोड है, ठीक है। और एनोड से क्या है रे निकल रही है जो हमको यहां से यहां पे दिख रही है, यहां पे दिख रही है, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर आराम से दिखता है, एनिमेशन देख लेना आप वीडियो में, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे, वहां पे आपको दिख जाएगा। खैर याद रख लगवा, तो अभी देखिए तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो याद रखिएगा इस वाले जब हम प्रोटॉन उन्होंने डिस्कवरी की तो देखा ये अपेंडिक्स क्रिया तो रिजल्ट सेम आया, सेम रिजल्ट आया, मतलब क्या वही कैथोड से एक रे निकल रही थी एनोड की तरफ, बस वही सेम रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या क्या उन्होंने इसके प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया, प्रेशर को क्या किया बढ़ाया। ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे थे कि भैया एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं होता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हो सकता है एक एक एक्सपेरिमेंट 100-100 बार करे, 500 बार करे तब जाके रिजल्ट आता है, ऐसे हलवा नहीं कि रिजल्ट 2 मिनट में आ गया। तो भैया इसको 10^-1 एटीएम किया, मतलब 0.1, मतलब अब एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। वो जानना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पे भी ग्लो होता है, क्या हो सकता है इधर से भी कोई रे आ रही हो एनोड रे, और वही हुआ यहाँ पे ग्लो पैदा हो गया, यहाँ पे एक चमक पैदा हो गई जो इस छेद से दिखाई पड़ रही थी कि इस छेद से वो जा रही है रे और यहाँ पे चमक पैदा कर रही है। लेकिन कैसे पता चला, प्रेशर जब हाई हुआ तब, अब ध्यान सुनना प्रेशर हाई होने की वजह से क्यों, प्रेशर हाई होने की वजह से इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ गए, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो जब हाई वोल्टेज लगा तो हाई वोल्टेज की वजह से इस एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, हाँ यहां से निकला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या बचा प्रोटॉन, बचे वो किधर मूव करने लग गया इधर, तो इधर भी चमक पैदा हुई, इधर भी चमक पैदा हुई। इससे पहले वाले में क्योंकि एयर एकदम कम था ना के बराबर था तो आयनाइजेशन बहुत कम हो रहा था, प्रोटॉन बहुत कम थे और छेद भी नहीं था, और एकदम कम रहेंगे तो डिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई देगा ना आपको, चमक पैदा दिखाई देगी। अब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो प्रोटॉन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चमक पैदा होगी, डिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जिसको हमने बोला पॉजिटिव रे, जिसको हमने बोला एनोड रे, तो वो कहां पे आ रही थी, यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। एग्जैक्टली समझ में आया मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली समझ में आया क्या बोला मैंने कि यहां पे एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, इससे पहले जो एयर के मॉलिक्यूल्स वो कम थे ना के बराबर थे, तो उससे सिंपल सी बात है एक आदमी रहेगा और वहां पे एक आदमी पॉजिटिव रहे और बहुत सारे आदमी लगभग लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो कोई मौजूद है उसके सामने, कोई मौजूद नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो वजूद में आ गया, तो दोनों भी दिख रहा है, इधर भी ग्लो कर रहा है उधर भी ग्लो कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उधर प्रोटॉन मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो कि जब इलेक्ट्रोड चेंज किया गया, मतलब ये प्लेट चेंज किया गया तो कोई चेंजेस नहीं आया, प्लेट चेंज किया गया तो कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यहां से कुछ नहीं हो रहा था, मतलब अगर मैं बात करूं एनोड रे का ओरिजिन, याद रखना एनोड रे का ओरिजिन एनोड से नहीं हो रहा था, एनोड रे का ओरिजिन एनोड से नहीं हो रहा था बल्कि गैस के मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, गैस के जो एटम्स थे वो क्या पैदा कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और प्रोटॉन बच जा रहा था, जो हम जान रहे भी प्रोटॉन ना, वो एनोड रे बच जा रहा था, एनोड रे क्या हो रहा था इसके आर पार चला जा रहा था। तो
तो इस तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात हुई, तो वहां पे एक कंक्लूजन आया कि गैस चेंज करने से और इलेक्ट्रोड चेंज करने से, इलेक्ट्रोड चेंज करने से और गैस चेंज करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चेंज हो जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। क्यों? देखो ना, अगर हाइड्रोजन लोगे तो कितने प्रोटॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। लिथियम लोगे तो E by M ratio निकाला ना, तो E by M ratio पूरा पूरा वैरी हो रहा था, सबका E by M ratio क्या हो रहा था, अलग अलग आ रहा था, सबका E by M ratio अलग अलग आ रहा था। हाइड्रोजन के केस में अलग, हीलियम के केस में अलग। सिंपल से बात है, देखिए ना बेटा, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक प्रोटॉन निकलेंगे। वही अगर हीलियम का होगा तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात है ना, इसका मास और चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में क्यों नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के केस में क्यों नहीं हो रहा था, एयर कम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज बाय मास रेशियो गैस चेंज करने से क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गैस से नहीं निकल रहा था। वो कहां से निकल रहा था, प्लेट से निकल रहा था। और प्लेट से जो कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक जैसे फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन के केस में ऐसा नहीं हुआ, पॉजिटिव के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो याद रखना, एनोड रे को प्रोटॉन नहीं बोलते, एनोड रे को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। फिर E by M वैल्यू निकाला गया, तो देखा कि सबसे हाईएस्ट किस में आ रहा है, तो देखा जिसका वजन सबसे कम है, जिसका वजन लाइटेस्ट है, LIGHT ना, लाइटेस्ट है जिसका वजन लाइटेस्ट है ना, स्पेलिंग गलत जगह पर तुम नहीं करोगे सर, पहले गलत हो गया। जिसका वजन लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट है किसका, सबसे हाइड्रोजन का, एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन। तो जिसका वजन लाइटेस्ट है उसका E by M हाईएस्ट है, जिसका वजन लाइटेस्ट है उसका E by M हाईएस्ट है। तो ये निकाला गया। और एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा, एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का एनोड रे प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के एनोड रे में एक ही प्रोटॉन है। बात समझ में आई, एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दूसरा गैस रहेगा तो दो प्रोटॉन चार प्रोटॉन पांच प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन नहीं होगा ना, पांच प्रोटॉन आएगा ना, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ एक प्रोटॉन। तो इसीलिए हाइड्रोजन के एनोड रे को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं, बाकी के एनोड रे को प्रोटॉन नहीं बोल सकते, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कशन क्लियर हुआ। आगे की बात मैं कल करूंगा।